बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 97 न्यूज के साथ मैं हूँ सीरत बलोच। नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी पर इनाम देने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क दिए कि मुल्जिम को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है, इस पर इनाम कैसा? आप पुलिस अफसर इनाम का इंतजार करे फिर मुल्जिम पकड़े। लाहौर में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जे के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आईजी पंजाब पर भी बरहम हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क में कहा कि बच्चियों से ज्यादती हो रही है, मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं, इश्तिहारी मुल्जिमान तक पुलिस से गिरफ्तार नहीं होते, पुलिस पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि वफाकी हुकूमत इन तमाम शुदा इलाकों में तामीर और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इन तमाम शुदा इलाकों और सूबा पंजाब की तरक्कियाती ज़रूरतों से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर असद उमर, फवाद चौधरी, उमर अयूब और मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख शरीक हुए, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत इंतज़ाम शुदा इलाकों के बिला तातुल तामीर और तरक्की के लिए पुरअज़्म है।